स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उत्तराधिकारी आश्रित जन कल्याण परिषद के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिवक्ता सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह सहित जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी आश्रित जन कल्याण परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष गणेश मिश्रा, उपाध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी, महामंत्री सूरज प्रकाश पांडे, संगठन मंत्री बसंत श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री जयप्रकाश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी आश्रित जन कल्याण परिषद के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाया और कहा कि राष्ट्र के प्रति देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने तथा जब कभी भी देश के लिए आह्वान किया जाए तो अपना योगदान दें। उन्होंने कहा, जब कभी भी यहाँ के पदाधिकारियों को जिला विधिक प्राधिकरण की जरूरत होगी तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तैयार रहेगा। राहुल सिंह ने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के न्याय से वंचित रहता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसको न्याय दिलाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा, उसके बाद हमारे प्रत्यक्ष राजेश त्रिपाठी जी रह रहेंगे और नित्यानंद जी रह रहे हैं। जन कल्याण परिषद द्वारा पूर्वक करूँगा मैं सूर्य प्रकाश पांडे जिस भावना से मेरे पूर्वज स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य किए हैं उसी भावना को लेकर मैं राष्ट्र की सेवा मैं स्वयं समर्पित भाव से करूँगा। संस्था द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसे हम तन मन धन से पूरा करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग उठ जाएं और मेरे साथ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जो आज आयोजित किया गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में आयोजित किया गया अतिथि के रूप में इसके लिए मैं इस परिषद के पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात को समझा। तो इसके साथ ही साथ मैंने इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और तमाम पदाधिकारियों से उस अधिकारी महोदय से सबसे रूबरू हुए और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि एक परिषद के माध्यम से जो हमारे महापुरुष रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाए हैं और देश के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण क्या मतलब उसको अमूल्य योगदान कर सकते हैं इसका कोई मोल नहीं है। तो उनके विचारधारा को या उनसे संबंधित स्तरों को या उनके हितों को जो आश्रित हैं उनको लेकर के परिषद काम कर रही है
और उनके बलिदान को हर पटल पर रखने का काम कर रही है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसको आगे लेकर के चलना भी चाहिए। और मेरी ये इच्छा भी रहेगी कि आप लोग इसको सतत बनाए रखें, जिससे कि हमारे पुरुषों के जो बलिदान हैं, जो उनके वीर गाथाएं हैं, वो समाज में हमेशा बनी रहे, लोग इससे रूबरू होते रहे, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं इससे प्रेरणा लेती रहे और अपने देश अपने समाज के प्रति वो हमेशा सजग रहे। और जब भी कोई मुसीबत कोई भी समस्या अगर देश में समाज में आती है तो हमारे महापुरुषों की भांति वो भी समाज में अटिक रहे हैं और समाज में एक दीवार की तरह खड़े रहे और किसी तरह की कोई बाहरी या कोई भी कुरीतियाँ समाज में अगर बनते तो उसको लेकर के वो समाज में अपनी बातों को उठाएं और उसको समाप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लें। तो इन सब चीज़ों का एक अलग ही महत्व होता है और अलग ही भावना जागृत होती है ऐसे मंचों के आने और ऐसे लोगों से, आप जैसे लोगों से मिलने में, कि जो आपके पूर्वज रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, वो आप ही के माध्यम से आज जीवित हैं। और आप जहाँ पे जाएंगे इसकी सभा में भाग लेते होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी याद उस समाज में दोबारा आ जाती है। आपके बहाने ही लोग उनको याद कर लेते हैं, एक बार उनकी निशान हो जाती है समाज में तो एक चर्चा का विषय और एक लोग के बाद उनको फिर सम्मान की निगाह से उसको फिर याद करते हैं। तो आप लोग का ये जो मंच है, जो आपने परिषद का गठन किया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं बस आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से आगे तक चलाएंगे। जो पदाधिकारी बढ़े दोनों की तरह इसको आगे से अच्छे से संचालित करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी परिजनों को नमस्कार करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मंचा से स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद के निर्वाचित अध्यक्षगण, मंत्रीगण तथा सदस्यगण, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं यहाँ उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने अपने इस पावन अवसर पे, इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम पे मुझे आमंत्रित किया और इसमें सहभागिता करने के लिए हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका साधुवाद। मैं अभी पूर्व वक्ताओं की बातों को सुन रहा था जहाँ पे महामंत्री जी अपने क्रियाकलापों के बारे में बता रहे थे कि हमारे ये कल्याण परिषद किस तरीके से काम करेगी। मुझे यह अनुभव हो रहा है कि यह जो निर्वाचित कार्यकारिणी है, यह न केवल अपनी उम्मीदों में खड़ा होगी बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद आश्रितों के लिए बहुत ही बृहद स्तर पर काम करेगी। मैं इसके लिए इनका शुभकामनाएं देता हूँ, इनका साधुवाद। यहाँ उपस्थित समस्त आश्रितों के कल्याण के लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर है। जब कभी भी किसी तरह की कोई आवश्यकता हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा उपस्थित रहेगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करेगा, क्योंकि यह भविष्य में भी आपके परिषद द्वारा अगर कहीं कोई कार्यक्रम होता है जिसमें आपको हमारी उपस्थिति आवश्यक है, हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और आपका हर स्तर पर सहयोग करेंगे। हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो दीवानी न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक नागरिक को किसी बिना किसी भेदभाव को समान न्याय दिलाने के लिए तत्पर। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणों से न्याय से वंचित रहता है और उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट अगर हमारे न्यायालय तक पहुंचती है, हमारे कार्यालय तक पहुंचती है, तो हम उसको राज्य के खर्चे पे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराते हैं, उसे विधिक सहायता देते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता का भी काम किया जाता है। हमारे यहाँ तमाम प्रशिक्षित मध्यस्थगण हैं जो वहाँ पे मुकदमों का मध्यस्थता कराते हैं। मध्यस्थता भी हमारे यहाँ दो तरीके के होते हैं, एक मध्यस्थता जो आप मुकदमा करने के बाद हमारे यहाँ फाइलें जाती है और एक हमने जो हम सबके लिए लाभकारी होता है वो प्री लिटिगेशन स्टेज में ही होता है। अगर हमारे समाज में कोई मुकदमा होता है, अगर हमारे समाज में कोई विवाद होता है, तो हमारा आप सबसे यही आग्रह है कि उस मामले को आपसी सुलह
समझौते के साथ ही निपटा है। अगर किन्हीं कारणों से वो मुकदमा नहीं निपट पाता है, वो विवाद नहीं निपट पाता है, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में वो प्रार्थना पत्र बिना मुकदमा दायर किए, बिना आपको कोर्ट में जाने, बिना आपको थाने के चक्कर लगाए हमारे यहाँ दर्ज होती है, और दर्ज होने के उपरांत हमारे जो मध्यस्थ होते हैं वो दूसरी पार्टी को नोटिस करते हुए आपसे सुलह समझौते के बाद उसको निपटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टी जीतने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उसमें आपको ना किसी वकालत करनी पड़ती है, ना किसी कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे मामलों को आप समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुँचाए, प्रत्येक लोगों को बताएं। हमारे यहाँ तमाम लोग कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, हमारे डीपीओ साहब हैं जो महिला और बाल विकास से संबंधित तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर उसमें आपके संज्ञान में या आपके पास पास पड़ोस में अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें किसी कोई व्यक्ति पात्र है और उसे उस योजना का लाभ नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से